मुख्यमंत्री जी तारीख तय करें, उनकी भी संतान है, मेरी भी संतान है। कसम खाएं मुख्यमंत्री जी कि हम जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, और हम भी कसम खाएंगे कि हम जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। और उसके बारे में तो कह दिया कि उनके कहने से हम थोड़े छोड़ने वाले, हमारा हिस्सा चाहिए भाई, वैसे थोड़े छोड़ने वाले। उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में रहकर हिस्सेदारी लेंगे और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों पर सवाल भी उठाएंगे, नीतीश कुमार को बर्बाद करने वाले लोगों को बेनकाब करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा कुछ इसी अंदाज में नीतीश कुमार को समझा रहे थे, सलाह दे रहे थे, हाथ जोड़कर विनती कर रहे थे। तो दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को सुनने के लिए तो तैयार ही नहीं है। उनके कहने से हम नहीं जाने वाले, हमारा हिस्सा है। हमने एक ट्वीट करके, हम नहीं थे बिहार में उस दिन, हम झारखंड में थे, हमने कहा है कि यह हम नहीं होने देंगे। इस तरह से होने लगे तो हर बड़ा भाई छोटा भाई को कहेगा कि चल जाओ, चला जाएगा और सब बाप दादा की संपत्ति हड़प लेगा। तो संपत्ति हड़पने हम नहीं देंगे, हम हैं मुस्तैदी से, हम रहेंगे। उनके कहने से हम नहीं जाने वाले, नहीं जाने वाले। और नहीं जाने के पीछे एक और कारण है कि हमको दर्द है इस पार्टी से। इस पार्टी को बचाने की अंतिम लड़ाई उपेंद्र कुशवाहा लड़ेगा, अंतिम लड़ाई लड़ेगा। और हमने सारी बात उनको बताई है कि कैसे पार्टी कमजोर हुई है। तो मिलकर तो हमने बात की, लेकिन बात करते हुए हमको लगा था कि कुछ मुख्यमंत्री जी एक्शन लेंगे या कुछ करेंगे, लेकिन करने के बजाय सीधे तौर पे मुझको बड़ा दुख हुआ जब उस दिन बात करने के बाद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ऐसी बात आप कर रहे हैं, पार्टी कमज़ोर हुई है, तो इसका अर्थ है कि आप भारतीय जनता पार्टी में जाइएगा क्या? यह मुख्यमंत्री जी के शब्द थे मेरे लिए, वन टू वन बात हो रही थी। अब बताइए, जब हम मिलकर बात करते हैं तो मुख्यमंत्री जी इस तरह की बात करते हैं, अब कैसे मिलकर हम बात करें, इसका अर्थ तो वही बता पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, पार्टी की जो स्थिति है ठीक नहीं है, पार्टी की स्थिति को मजबूत बनाने की ज़रूरत है, जिसके लिए हमने आते आते संकल्प लिया कि पार्टी को नंबर वन बनाना है। तो इसके बारे में आप थोड़ा गंभीर होइए, क्या करना है, कैसे करना है। और हमने अपनी ओर से उनको राय दी, जो बात हुई मुख्यमंत्री जी से, और उस बातचीत में मुख्यमंत्री जी ने कहा बिल्कुल असहाय स्थिति में कि अब हमको आगे कितना दिन रहना है, नहीं रहना है, संभालिए संभालिए। उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा कि संभालिए। तो यह कहना कि जब मन हुआ आए, जब मन हुआ चले गए, अपना मन से नहीं, आपके बुलावे पर गए, हम फिर दोहराएंगे। इस संदर्भ में भी जितनी बात हम कह रहे हैं उसमें भी कोई गलत हो तो आप फिर कसम का जो दिन रखिएगा, उस दिन हम भी संतान हैं, उनके पास भी संतान है, कसम खाएं कि हम बोल रहे हैं, हम भी कसम खाने के लिए तैयार। तो यह कहना, यह जब मन हुआ आए, जब मन हुआ चले गए, बिल्कुल गलत बात है। नीतीश जी ने कहा कि किसने बनाया आपको MLC, किस पार्टी से MLC है, हमने आपको MLC बनाया, आपका सम्मान किया। या उसको भी ना पता होगा कि कहां से शुरू हुआ, कहां गया, कौन पार्टी बनाया MLA, कौन पार्टी राज्यसभा में भेजा, कौन पार्टी अभी MLC बनाया है, और सिर्फ MP दूसरे पार्टी से। तो आप शुरू से जान लीजिए ना, हम लोग तो इज्जत करते रहे हैं, चले गए फिर आए, मान लिया, चले गए फिर आए, मान लिया, वो अलग चीज है। हमको तो आश्चर्य लग रहा है, हम तो इतना प्रेम करते हैं, इतना हमारा स्नेह है कि कोई चला भी जाता है तो हम क्या मतलब है, जाओ भाई जहाँ जाना है जाओ। आश्चर्य, देखिए ये बात अब आगे मत पूछिए, आप उनके बारे में कोई बात हो तो उन्हीं से पूछिए कि जो मर्जी हो करिए। पार्टी के लिए, जनता दल यूनाइटेड के लिए इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। हम ही से पूछ रहे हैं, हमने तो पार्टी को जिम्मेवारी दे दी है। ऐसा नहीं, अब मेरी इच्छा
और लोग चाहते नहीं थे, लेकिन मेरे ही अंत में कहने पर लोग एग्री कर गए। तो ये सब बात तो अलग है ना भाई, हम तो सम्मान करते हैं, हमारा तो प्रेम का भाव है, लेकिन अभी हर कुछ दिनों से आप लोग रोज पूछ रहे हैं इसका पार्टी से कुछ। तो उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि दो साल में कितना सम्मान हुआ है सबको पता है। हद तो तब हो गई जब उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मुझे मौका चाहिए, मैं पार्टी फोरम में बैठकर तमाम नीतियों को गिनाऊंगा। ये अगर बैठक होती है, बैठक तो अविलंब करें अगर करनी है तो, और बैठक होती है तो उसमें हम जाएंगे और जाकर अपनी बात, पार्टी कैसे कमजोर हो रही है इसको भी रख। नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमने वाले लोगों को, नीतीश कुमार को कमजोर करने वाले लोगों को बेनकाब कर। मैं कहना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी आप खुद से अपनी इच्छा से काम कीजिए, आप दूसरे लोगों की इच्छा से मत काम कीजिए। दूसरे लोगों की इच्छा से काम कीजिएगा तो अभी नतीजा यहाँ तक पहुँचा है, आगे और नतीजा खराब हो सकता है। अपना पराया को पहचानने का काम कीजिए मुख्यमंत्री जी, हम तो सलाह ही दे सकते हैं इस मोड़ पर, आप पहचानिए। जिस तरह की स्थिति आज बनी हुई है, जो कुछ लोग हैं जिस तरह से मुख्यमंत्री जी को हैंडल करते हैं, मुख्यमंत्री जी उस तरह से एक्ट करते हैं, यह ठीक नहीं आदरणीय मुख्यमंत्री। बिहार की जनता ने आपके ऊपर भरोसा किया 2005 से लेकर अब तक, किसी और के ऊपर नहीं भरोसा किया। लेकिन अगल बगल में अब उस तरह के जो सलाहकार लोग हैं उनसे सलाह लेकर एक्शन कीजिएगा, तो इसका नुकसान अभी हुआ है, आगे इतना नुकसान हो जाएगा कि अभी तो हम आग्रह कर रहे हैं, थोड़ी मेरी बात मान लीजिए, बैठकर चर्चा कर लीजिए। हमारी बात मानने लायक हो तो मानिए, न मानने लायक हो तो मत मानिए, लेकिन बैठकर चर्चा तो कर लीजिए। और नहीं कीजिएगा तो अभी तो हम समझते हैं कि नुकसान की भरपाई संभव है, ज़्यादा दिन नहीं है, जब नुकसान की भरपाई भी नहीं कर पाइएगा आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा आदरणीय मुख्यमंत्री। कैसे दूसरे सलाहकार लोगों से हैंडल हो रहे हैं इस पर भी कभी अलग से हम बात करेंगे, हम साबित कर देंगे कि कैसे लोगों से हैंडल हो रहे हैं, खुद नहीं नीतीश कुमार जी अपनी इच्छा से कर पा रहे हैं, सच आज यही है, लेकिन इस पर भी हम आपको साबित करके बता देंगे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि यह सब बेवजह की बात है, हमने सबको सम्मान दिया, हाँ हमने पार्टी में उनको बुलाया जरूर, लेकिन वो जो काम के लिए आए थे, जो मकसद था, वो उस पे खरा नहीं उतरे, नहीं कर पाए। हम तो इतना प्रेम करते हैं, इतना हमारा स्नेह है कि कोई चला भी जाता है तो हम क्या मतलब है, जाओ भाई जहाँ जाना है जाओ। कौन पार्टी राज्यसभा में भेजा है, कौन पार्टी अभी एमएलसी बनाया है। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि हमने तो पूरी तरीके से पार्टी को मजबूत करने का बीड़ा उठाया था, हम काफी आहत हुए थे। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार जिसे आज सबसे बेहतर बना रहे थे वही तो नीतीश जी को कोस रहे थे। परिणाम आने के बाद विधानसभा का जो पहला सत्र चल रहा था उस सत्र में आज जिनको बहुत आगे बढ़ाने की बात रोज करते हैं मुख्यमंत्री जी, उनकी उम्र से आधी उम्र का व्यक्ति, उन्होंने विधानसभा में भाषण देते हुए जब कहा, यह बात बोलने में भी मुझको थोड़ी हिचक होती है लेकिन रिकॉर्ड में है विधानसभा में, इसलिए बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, हम क्षमा चाहते हुए बात बोलेंगे। उस समय कहा गया मुख्यमंत्री जी से विधानसभा में भाषण देते हुए, तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आपका मुख्यमंत्री जी नीतीश जी एक बेटा है आपको, और वह भी आपका अपना है कि नहीं है आप ही जानिएगा। अब इस तरह की बात जब पब्लिक डोमेन में बात है, कोई हम अलग से नहीं बोल रहे, और जब मुख्यमंत्री जी के बारे में ऐसी बात की गई, मुख्यमंत्री जी को मैं अपने परिवार का सदस्य मानता हूँ, मैं बड़ा भाई मानता हूँ, उनको कोई इस तरह से कहे उपेंद्र कुशवाहा स्वयं अपमानित महसूस करता है, इसलिए हमने उस समय ट्वीट किया था। आज मेरी ट्वीट पर कहा जा रही क्यों ट्वीट करते हैं, उस समय जब हमने ट्वीट किया और कहा जिस व्यक्ति ने इस तरह की बात की, हमने कहा कि यह ठीक नहीं है, हम ऐसी स्थिति को हम नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं,
उस समय का ट्वीट और क्या कहा है हमने निकाल कर देखा जा सकता है।